की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा लिए चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 2000 के नोट थे। मैंने वो नोट उस औरत को दे दिया और वो खुशी होकर मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक कभी किसी औरत को नहीं मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या खुशी मिल सकता है, पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई और जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज की तरह जल्दी अपने काम से घर वापस आ गए थे। मैंने उनसे कहा जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति ही बचे थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैंने जल्दी से गर्म किया और साथ में ताजी रोटियां भी बना ली और चाय बनाने के लिए भी रख दिया, क्योंकि हम सबकी आदत थी कि खाना खाने के तुरंत बाद हम चाय या कॉफी पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा चाय भी उबल चुकी थी। मैं चाय छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गया और जैसे ही लगा किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और जोर जोर से अपना सीना मसल रहे थे और मेरी सास घबराकर उनके हाथ पैर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी कि क्या हुआ रितेश तुझे, कुछ तो बता मेरा बच्चा। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास आई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफेद झाग निकल रही थी। वो अपना गला पकड़कर बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती या किसी को मदद के लिए बुलाती, तभी अचानक मेरे पति का पूरा शरीर सूखकर काटा हो गया और उनकी आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गईं। 2 मिनट के अंदर ही मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। उनके इस तरह अचानक मौत ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सभी चीज चकराती हुई महसूस होने लगी। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन मैं अपना सुधाकर खो बैठी थी और अगले ही पल में अपने शरीर के सारे वजन के साथ जमीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैं खुद को अपने कमरे में पाई। मेरा सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल मेरे पति का मृत वजूद मेरे नजरों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई तो सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर के बाहर पड़ी थी और मेरी सास उनके पास आस लगाकर बैठी हुई थी कि शायद मेरा बेटा फिर से वापस आ जाए। उनकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे वो पूरी रात रोई हो। जवान बेटे का गम जो था, एक माँ करती भी तो क्या। फिर मैं जैसे ही अपने पति के लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, देख लो हो गई महरानी की सुबह, कैसी बेशरम औरत है, पति की लाश पड़ी है और ये अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर, कम से कम अपने सास का ही फिक्र कर। इन्होंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया और फिर इन्हें तेरा ख्याल रहा कि तुझे उठाया नहीं, कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल है और एक तुम हो जो पहले अपने पति को जान से मार डाली और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींद पूरी कर रही हो। अरे तुझे तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए।
ऐसे गुरूर से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी और मेरी सास वो कितनी सफाई से सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में पड़ गई थी कि फिर मैं अपने पति के पास जाने लगी। चरपाई तक पहुंची थी कि मुझे लगा जैसे मेरा बाल पीछे से कोई खींच रहा है। मैं जैसे ही मुड़ी पीछे की तरफ देखा तो मेरी सास मेरे बाल मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंक दिया और मैं जाकर दरवाजे के पास गिरी। मैं अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैंने फिर से चारपाई के पास जाने की कोशिश की। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मेरी आंखें चौंधिया सी गई। अभी मैं ठीक से समझ नहीं पाई थी कि उनकी बातों ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। वो कह रही थी कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरे बेटे की कातिल हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उसकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो उसकी जिंदगी नरक बनाकर रख दी हो, फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, तूने उसकी जान ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनकी जान नहीं ली है, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला, वो मेरे पति थे, आप मुझे उनके पास जाने से ना रोके। लेकिन मेरी सास पर मेरे किसी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और गेट के पास ले जाकर धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पति से जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई थी। मैं काफी देर तक वहीं पर खड़ी रोती रही, लेकिन अंदर वाले सब पत्थर दिल हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी कि भगवान के नाम पर कोई मेरा मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद करो, भगवान उसका भला करेगा। मैंने देखा तो मेरी साड़ी के आंचल में 500 का नोट पड़ा था। मैंने वो नोट उस औरत को दे दिया। उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था, शायद उसको भूख लगी हुई थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो, क्या तुम भी मेरी तरह दुखी हो। मैं उनकी बात सुनते ही घबरा कर इधर उधर देखने लगी। तब तक मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाए, तू सदा सुखी रहे, जा अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा, तेरा घर तेरा राह देख रहा है, तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क की खाक छान रही है तू, तू तो अपने घर की मालकिन है, जा अपना घर संभाल, वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरान हुई कि उस घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई है, मेरी पूरी दुनिया लूट चुकी है, भला मुझे वहाँ कौन सी खुशी मिल सकती है। अपनी हालत के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी और सोच रही थी कि जाकर देखूं तो सही कौन सी खुशी मिलने वाली है मुझे, और अगर खुशी नहीं मिली तो एक बार फिर से मैं अपने सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनको मुझ पर रहम आ जाए और वो आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दे। इतने में मैं घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने देखा दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने का मंजर देखकर मैं हैरत से दंग रह गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरा नाम सुमन है, मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरी सास रहती हैं। मेरी उम्र यही कोई 30 या 32 साल होगी। यह बात उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की सख्ती की वजह से मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे पापा एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका रवैया हमारे प्रति शुरू से ही काफी सख्त था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो हर वक्त गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी, वो स्वभाव से ही ऐसे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं किया था। वो मेरी हर छोटी से बड़ी जरूरत का ख्याल करते, लेकिन मैं उनके गुस्से से परेशान थी। मैं और मेरी माँ हमेशा डरे सहमे रहते थे।
और इस चीज का ख्याल भी रखते थे कि कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे मेरे पापा के रवैये ने अपने घर वालों से दूर कर दिया। हद से ज्यादा शक्ति भी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे राहुल से तय कर दी है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है और उसके बाद शादी। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने मन से इसका विरोध किया तो माँ ने कहा, खबरदार जो उल्टी सीधी कोई हरकत की। अपने पापा के गुस्से से वाकिफ हो तुम, इसीलिए कोई भी हंगामा करके अपने लिए और मेरे लिए मुश्किल मत बढ़ा देना। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली आई और अपना फोन लेकर तुरंत रितेश को फोन मिलाया। रो रो कर उसे कहने लगी कि पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी करो क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। रितेश ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपनी क्लासमेट रितेश से बहुत प्यार करती थी। रितेश दिखने में ठीक ठाक था। उसका रिश्ता एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वो थे। उसके पिताजी बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। रितेश के पापा का एक छोटा सा कारोबार था जिसको अब रितेश ही संभालता था। लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था क्योंकि मैंने कभी भी अपने पैसे पर घमंड नहीं किया कि मैं एक बड़े बाप की बेटी हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरते हुए और मेरी सगाई राहुल से हो गई। लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी नजदीक आ गया। मेरी शादी के एक हफ्ते पहले रितेश और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। यह सब देखकर मेरे पापा ने उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज्यादा उलझन में थी कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन मेरी शादी थी उसी दिन लगभग दोपहर के 1 बजे मुझे तैयार होने के लिए पार्लर जाना था। माँ ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए कहा था कि टाइम से घर आ जाना। मैंने सहमति से अपना सर हिला दिया और दोनों सहेलियाँ गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी सहेली के हाथ से फोन लिया और तुरंत रितेश से फोन मिला दिया। रितेश ने पहले बहुत नाराजगी जताई, तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ भुला देता हूँ, तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैंने रितेश से कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर ले। मैं पार्लर में हूँ, तुम आ जाओ और मुझे जल्दी से लेकर जाओ, हम आज ही कोर्ट मैरिज करते हैं। रितेश ने कहा, क्या यह सब ठीक रहेगा? मैंने कहा, सब कुछ ठीक ही होगा, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे करके वो सब कुछ भुलाकर मुझे अपना लेंगे। रितेश ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूंगा, तो मुझे फोन कर देना। पार्लर के बाहर पहुंचते ही मैंने ड्राइवर को बहाने करके घर भेज दिया। उससे कहा, मेरे लहंगे का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही छूट गया है, आप मुझे वो लाकर दे दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने तुरंत रितेश को फोन मिलाया और उसे आने को कहा। वो अगले ही पल मेरे पास आ गया। मैंने अपनी सहेली को सब कुछ समझा दिया था और उसके बाद मैं रितेश के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की और उसके बाद मैं रितेश की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मैं यह नहीं जानती थी कि मैं यह कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की हूँ। उधर जैसे मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली, फोन पर सातों आसमान एक ही साथ टूट पड़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे घर तो कयामत आ गई थी। मेरे पापा इस वक्त मुझे जान से मारने के लिए निकल गए थे, लेकिन माँ ने उनका पैर पकड़ लिया और कहा कि इतना गुस्सा मत करिए, वो हमारी इकलौती बेटी है, भले ही आप उसे माफ ना करें, लेकिन उसे वक्त दे, उसके साथ ऐसा कुछ ना करें। माँ के लाख समझाने पर पापा किसी तरह मान गए।
मुझे रितेश के घर आए एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे मायके में खामोशी थी। मैं यह समझ सकती थी कि तूफान आने से पहले हर तरफ खामोशी ही होती है। मैं सुकून से अपने ससुराल में जिंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन रितेश ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ वो अपना काम भी करते थे। मेरी सास आस पड़ोस के कपड़े सिलाई करती थी, मैंने भी उनके साथ रहते रहते सिलाई सीख ली थी। मेरे ससुराल वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे शुरू में परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ एडजस्ट हो गई थी। इसी तरह हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा है। वो बार बार मुझसे कहती है कि अब तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो, वो तुम्हें याद करते होंगे और अब तक तो वो लोग तुम्हें माफ भी कर दिए होंगे। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा के गुस्से का सामना कर पाती। उनकी बातों पर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे। रितेश का रवैया भी मेरे प्रति कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं उनसे उनके रवैया के बारे में पूछना चाहती थी, फिर सोचा हो सकता है काम का प्रेशर ज्यादा हो इसीलिए वो परेशान हो। उस दिन हर रोज की तरह रितेश नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। पीछे से मैंने अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति को घर रात को ही आना होता था। कुछ देर बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया और फिर मैं और मेरी सास ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी मेरे कमरे में मेरे पति की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास बाहर बैठी हुई थी। उन्होंने रितेश से घर जल्दी आने की वजह पूछी तो रितेश ने कहा आज कॉलेज की भी छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसीलिए जल्दी आ गया। मैंने अपने पति को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने चली गई। वापस आई तो देखा कि मेरे पति रितेश मर चुके थे। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैं तो बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने मरे हुए पति के पास जाना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे यह कहकर उनके पास जाने नहीं दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो, और यही कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। और मैं रोते हुए सड़क पर चलती जा रही थी, तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैं उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआएं देते हुए घर जाने को कहा और साथ में यह भी कहा कि घर जाने के बाद तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को नहीं मिली होगी। उसकी बातें सुनकर मजबूरन मैं घर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। दरवाजा खोलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताजा पत्तियां मेरे ऊपर गिरती जा रही थी। मैंने नजर उठाकर देखा तो मेरे पति की लाश गायब थी और साथ ही साथ हमारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों की मदद से सजाया गया था। फूलों को दरवाजे से लेकर अंदर पहुंचने तक का रास्ता बनाया गया था। वो सब देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि यह क्या है, यह तो मातम वाला घर था, यहाँ तो मातम होना चाहिए था, तो यह सब क्या है? मेरे पति की लाश कहाँ गई है और मेरी सास कहाँ गई है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उन फूल के पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगी। उसने सच ही कहा था, मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली और कम अकल हूँ। मेरी नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रचाई गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे बेतिहासा, खुद पर कम, अगले पर बहुत गुस्सा आया। मैं कैसे एक शख्स को इतना मौका दे दिया कि वो जाकर मेरी जिंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी कि सारी तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से ढूंढ कर भी लाओ। मेरे पति ने कहा कि मैं तो उसकी नजरों में मर चुका हूँ, वो कैसे आएगी मेरे साथ। फिर मेरी सास ने कहा वो तो भोली है, तुम उसके सामने कोई ना कोई बहाना कह देना कि मैं बेहोश हो गया था तो लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे घर वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना कि जिस मकसद के लिए
तुमने उससे शादी की थी, वो अब जाकर पूरा हुआ है, अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। कितना इंतजार किया था मैंने इस दिन का, मैं कितनी खुश हुई थी जब तूने मुझे जाकर बताया था कि तुमने एक अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन मुझे पता क्या था कि उसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा। जब तुम दोनों शादी की थी तो मैं यही समझी थी कि वो अपनी इकलौती औलाद को माफ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बूढ़े ने तो सारा प्लानिंग चौपट कर दिया। और इसको देखो, लैला मजनू की कहानी की तरह तुमसे चिपक कर रह गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया था कि उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दो, क्योंकि उसके मायके से तो कुछ एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इसीलिए मैं जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और इस तरह से झाग भी लगा दी, और खून का क्या, जरा सा कट लगा दी और तेरे मुंह खून से भर गए। मैं हैरत से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अभी और क्या क्या सुनना बाकी था। अगली बात सुनकर तो यह लगा जैसे कयामत अब आई है। पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे। मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मैं बेतिहासा फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने का आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर ख्वाब के साइन मंत्र आने लगे थे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटा आया, और जब मुझे होश आया तो मेरा पति रितेश कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई और अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहाँ पर पहुंची तो पता चला कि मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल इस देश ने मुझे दौलत की लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कौड़ी नहीं देंगे तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटे मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे, और जब उन्हें कोई वजह नहीं मिली तो अपने मरने का ड्रामा ही रच बैठे और मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर मेरे घर से जाते ही उन्होंने किसी से खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। तो यह खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए, और कुछ नहीं, वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा महसूस कराया गया कि उसे तो कुछ याद ही नहीं। सबने यही समझा कि हमारी गलती है, हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहां से चले गए। मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी के लालच में अब मुझे घर वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके, और इसीलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरा स्वागत का पूरा इंतजाम किया। लेकिन मैं भी फैसला कर ली थी, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शाम होते ही मेरे पति और मेरी सास घर आ गए और मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो मायूस लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सजा मिल गई है और उनके पूरे परिवार को पैरालिसिस हो गया है। रितेश की भी बहुत हालत खराब थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया था, लेकिन वो मेरी मोहब्बत था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे माफ कर दिया। मेरी सास और मेरे पति दोनों बहुत बदल गए थे। उनके जिंदगी से दौलत की हवस खत्म हो चुकी थी। एक साल बाद भगवान ने मुझे एक खूबसूरत सा बेटा दिया और मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही हूँ। दौलत का लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो संभल तो जाता है, मगर ठोकर लगने के बाद। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।